नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कैसे गणित के विभिन्न कॉन्सेप्ट पर अपनी बात रखी थी। आज हम परिमेय संख्या पर अपनी बात रखना चाहते हैं और हम ये समझाना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे हम परिमेय संख्या की गतिविधि के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या को हम कैसे जो है संख्या रेखा पर दिखाएं और बच्चों के द्वारा गतिविधि करके। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे के हाथ में हमने इस तरह का एक पेपर लिया और इस पेपर से हमने कहा कि चलो बीचों बीच इस पेपर को मोड़ लो। तो सबसे पहले आप बीचों बीच इस पेपर को मोड़े। अच्छा, सावधानी ये रखनी चाहिए कि हमेशा मोड़ने का, जब हम इसको मोड़े तो ये पहले बीच में ले आवे और उसके बाद हम यहां से दोनों तरफ साइड में इसको ड्रैग कर दें। अब ये देखिए, ये पेपर आपका बीच में हो गया है और हम चाहें तो बच्चे से फिर अगली बार हम कह सकते हैं कि ये उनकी संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर वो अपने पेंसिल से जो है और स्केल की मदद से लाइन खींच लें। अब ये संख्या रेखा बन गई। चलिए इस पे हम एक वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। सेम वही प्रोसेस हम अपनाते हैं और बीच में एक और ले लेते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि बच्चों को बताने के लिए कि ये हमारा जो है संख्या रेखा में दो तरफ से जिसे हम गणित में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं वो बन गया। हमारे पास ये आया जिसे हम सेंटर में जीरो मान लेते हैं। चलिए अब हम ये ले लेते हैं कि यहां जो है ये हम इसे दो तक बांटते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जीरो से दो तक है तो पुनः आप इसको आधा करिए। देखिए हम किसी भी स्केल की मदद नहीं कर रहे, हम सीधे इसको बांट दे रहे हैं। तो दिस इज वन एंड दिस इज टू। द सेम प्रोसेस हियर, अगर हम इसको यहां से ऐसे बांट दें, आप देखिए बच्चे खेल खेल में इस चीज को सीखेंगे और वो इसकी भावना का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। दिस इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू। मान लीजिए अब आपने कहा कि बच्चे को कि हाफ दिखाना है, तो जीरो से वन के बीच में आपको हाफ लेना था। तो यानी जीरो से वन जो ये लाइन है इसको आप यहां से आधा करेंगे। आप देखिए ये वन है और ये जीरो है, इसको आपको मिलाना है और मिला करके इसको आपको बच्चे को दिखाना है कि यहां से ये दोनों लाइन को वो मिलाए और मिला करके वापस ये इसको आधा कर दे। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो बीच में बना दिस इज वन बाई टू। इसी तरह से अगर थ्री बाई टू बनाना है तो वन और टू के बीच को ये फोल्ड करेंगे और हम इस तरह से दैट इज वन एंड हाफ, यानी वन एंड हाफ हो गया। यहां से बच्चे को हम मिश्र भिन्न जो बोलते हैं उसको भी दिखा सकते हैं, दैट इज थ्री बाई टू। तो ये एक पार्ट हुआ जिससे हम बच्चों को संख्या रेखा पेपर फोल्डिंग के प्रोसेस से सिखा सकते हैं। और इस तरह से सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए बच्चों को कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाए। अब मान लीजिए वो बच्चा माइनस हाफ दिखाना चाहता है या माइनस थ्री बाई टू, तो सेम हम निगेटिव एक्सिस पे यहां आ जाए और यहां हमने इसको फिर से मोड़ दिया। दिस इज वन एंड हाफ, दैट इज माइनस वन एंड वन बाई टू। सपोज करिए कि हमें वन वन बाई फोर चाहिए, तो अगेन इसका हम फिर से हाफ करेंगे पेपर फोल्डिंग के प्रोसेस से। तो हम इस तरह से देखिए, हमने फिर से पेपर फोल्ड कर दिया और ये जो आपका बीच में सेक्शन आया दिस इज माइनस वन एंड वन हाफ। तो हम इस तरह से किसी भी पेपर को फोल्ड करके बच्चे को संख्या रेखा दिखा सकते हैं। तो पेपर फोल्डिंग से संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण कैसे किया जाए, इस एक्टिविटी में हमने समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी और जब हम बच्चों के साथ इसे करते हैं तो बच्चे बहुत ही प्रसन्नता से उनका जो लर्निंग है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को लेकर के वो क्लियर होता है। आइए अब हम थोड़ा सा इन चीजों को बच्चों के साथ आप जब करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे जो है इसको इंजॉय करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस तरह के खेल खेल में गणित सीखने की गतिविधि प्रसारित हो। थैंक यू।